दमण के वैदिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें पांचवें बैच के 90 छात्रों को पारंपरिक तौर पर डिग्रियां प्रदान की गई। स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में डेंटल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एस एस वेश्या, ट्रस्टी एसपी दमणिया, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश पटेल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथों डिग्रियां दी गई। चेयरमैन डॉक्टर एस एस वेश्या ने डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ट्रस्टी एसपी दमणिया ने कहा कि बड़े ही मेहनत से पढ़ाई पूरी करके डेंटिस्ट बने नए डॉक्टरों का हम स्वागत करते हैं। हमारी शुभेच्छा है कि आप अच्छे डेंटिस्ट के साथ अच्छे नागरिक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और अपने कुल परिवार के साथ कॉलेज व देश प्रदेश का नाम रोशन करें। मालूम हो कि इस समारोह में डेंटल कॉलेज परिवार, अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों की भी मौजूदगी रही। A person who believes in the saying, a friend in need is a friend indeed. I'm pretty sure Mehul, you'll agree with that. Thank you. Things come in small packets. So here's a small packet. Got medals for the college in various dance competitions. Who makes her presence noticeable everywhere. She is most loved with a great satisfaction. Sonali Kamli. आज वैदिक डेंटल कॉलेज में कन्वोकेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और 4 इयर्स का टर्म होता है। 4 इयर्स का स्टडीज़ के बाद एक साल इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप जब कंप्लीट होती है तो उनको डिग्री दी जाती है और यूनिवर्सिटी ने हमारे स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी है तो उन लोगों ने कन्वोकेशन सेरेमनी रखा है। उसमें रोब पहन के वो लोग को आज से वो लोग को सर्टिफिकेट मिली है, डॉक्टर बन गए और आज से वो लोग एक नई जिंदगी डेंटिस्ट के रूप में दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, वो लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं उनको वैदिक डेंटल कॉलेज के में शिक्षा प्राप्त करके एक डॉक्टर बन के एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंसान और हमारी कॉलेज का, हमारे दमन का, हमारे देश का नाम रोशन करे, इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ और विश करता हूँ कि आगे चल के एक अच्छे डॉक्टर और इंसान बने। और आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अशोक मनवानी, जो यूनाइटेड फॉस्फोरस के चेयरमैन भी है और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे मित्र सी यंग एंड डायनेमिक डीएमसी प्रेसिडेंट मिस्टर मुकेश भी गेस्ट ऑफ ऑनर में आए हैं। उनके साथ रितेश भाई आए हैं, डॉक्टर वेश्या हमारे चेयरमैन हैं, मुफ्ती सर, डीन सर हमारे सिन्हा जी, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद है, गुप्ता जी हमारे प्रोफेसर्स, हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो गर्व फील कर रहे हैं वो भी आए हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन किया है। 90 स्टूडेंट पास आउट हुए, 90 इंटर्न आज डिग्री प्राप्त करेंगे और ये 17-18 का बैच है। मैं यही उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि अच्छे डॉक्टर बने और अच्छी तरक्की करें, अच्छी आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे हमारे प्रशासक बोलते हैं कि लंदन, यूके, अमेरिका, हर एक में डॉक्टरों की डिमांड है और ख़ास करके डेंटिस्ट की बहुत डिमांड है। तो ये लोग आगे बढ़ें, जाएं और अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, अपने कॉलेज का, वैदिक डेंटल कॉलेज का नाम रोशन करें, दमन का नाम रोशन करें और आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं है सबको। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, इससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही, रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है, लेकिन अब नहीं। भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले छे, ए शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु छे, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना में लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करू, शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, यह योजना जो है, जो एक घर के किसी